पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं और बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम विभाग अपने तरीकों से कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसी मिशन शक्ति नारी सुरक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में परिवहन विभाग द्वारा बेटियों को हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बाद में बेटियों को हेलमेट बांटे गए। मुरादाबाद में आयोजित इस हेलमेट वितरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बेटियों को यातायात के नियमों से जागरूक करना था। कार्यक्रम में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद बेटियों को यातायात के नियमों से जागरूक कराना और जिसके तहत बेटियों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और वो यातायात नियमों का पालन कर सके। जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा जिन बच्चियों ने पिछले 2 महीने में लाइसेंस प्राप्त किए हैं, उनको आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसके पीछे मंशा यही थी कि जनता ISI मार्क का हेलमेट इस्तेमाल करे, क्योंकि ये लोगों के लिए सबसे सुरक्षित है। ड्राइवर होने के नाते मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी शराब पीकर ड्राइव नहीं करूंगा। मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगा। मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूंगा। मैं कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूंगा। मैं कभी भी पीली रेखा पार नहीं करूंगा। मैं कभी भी सड़क के बीच में खड़ा नहीं रहूंगा और साथी यात्रियों से बहस नहीं करूंगा। मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं सभी राहगीरों, खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर खास ध्यान दूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूंगा। मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा। मैं आंखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूंगा। मैं थका हुआ या तनावग्रस्त होने पर ड्राइव नहीं करूंगा। मैं वाहन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। मैं क्लच का सही इस्तेमाल करके ईंधन की बचत करूंगा। मैं वाहन को फिट रखूंगा ताकि वह पर्यावरण को प्रदूषित न करे। मैं अपने यात्रियों के साथ मित्रवत और सहायक रहूंगा। मैं स्कूल, अस्पताल जैसे हार निषेधी क्षेत्रों में कभी भी हार नहीं बजाऊंगा। मैं लेन के अनुशासन का पालन करूंगा। मैं सड़क
और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूंगा। जय हिंद। आज यहां पर मिशन शक्ति के तहत परिवहन विभाग और BIS के सामूहिक सौजन्य से 120 लोगों को हेलमेट वितरण किया गया। इसके पीछे दो भावना थी, एक तो जो महिलाएं हैं उनके सम्मान और स्वावलंबन को सुरक्षित रखा जा सके, उनकी जर्नी को सेफ बनाया जा सके, दूसरे इस बारे में अवेयर किया जा सके कि जब भी हम सामान खरीदें ISI मार्क का ही सामान खरीदें, जिससे कि जो हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे जो हम सामान खरीद रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड की सामान मिले। और चूंकि हेलमेट ह्यूमन की सुरक्षा से रिलेटेड है, ह्यूमन के मतलब उससे उसकी यात्रा सुरक्षित होती है, ऐसी चीज़ न खरीदें जिससे उसको लगाने से कोई फ़ायदा न हो, तो इस बारे में यहाँ चर्चा की गई। और इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और BIS के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग उपस्थित थे और यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी उपस्थित थे और आज 160 हेलमेट का BIS के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक TV आपकी आवाज़।